तुम यहाँ दिल पे जमी हनिश को छांटने आए, तुम्हारे साथ अपनी तन्हाई बांटने आए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तीनों तो शादीशुदा है नहीं, इसलिए चौथ तो मना नहीं सकते, लेकिन कड़वा तो साथ में मना सकते हैं ना। अरे अगर इतना ही जोश है तो कविता प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले लेते? हाँ बात है भाई। मतलब आप लोग भी बुआ जी और मुन्ना का प्रताप वाणी सुनते हैं? देखो बाबा जी को हर बात की खबर होती है, और तुम कमा रहे हो कि कविता लिखोगे? कविता तो कब की लिख चुकी, यहाँ है शीर्षक भी तैयार है, अगर मेरी पत्नी होती तो। और फरमाइएगा हुजूर। अगर मेरी पत्नी होती तो, अगर मेरी पत्नी होती तो उसे अपने पास बिठाता और प्यार से समझाता कि सखी, एक तथ्य है सही कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं ऑफिस भी जाता और उसके काम में हाथ भी बटाता और कहता कि तुम्हारा काम मजबूरी नहीं जरूरी है, इसमें तुम्हारी मेहनत मुझसे बढ़कर कहीं पूरी है। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं उसकी सोच के आड़े ना बराबरी का दर्जा जताता, हम दोनों एक हैं। अगर ये ख्याल नेक है तो साथ मिलकर चलो, क्योंकि मंजिल तो एक है। आपकी कविता का शीर्षक तो होना चाहिए था जोरू का गुलाम। आपका क्या ख्याल है बाबा? भाई हमारी अगर पत्नी होती, हमारी अगर पत्नी होती तो हम खूब पैसे बचाते। हमारी अगर पत्नी होती तो हम खूब पैसे बचाते, झाड़ू वाली, करकट वाली, इन सबके पैसे बचाते, और तो और स्त्री वाली के पैसे बचाते, और कपड़े धोने वाली के भी बचाते, और किचन में काम करने वाली के भी बचाते। आपके ख्याल तो बड़े भारी हैं। क्योंकि बाबा जी संस्कारी हैं। दिगंबर तुम्हारे कविता के ख्याल क्या है? इसका क्या ख्याल होगा? अरे जो हम कहेंगे वही ख्याल होगा इसका। क्या रे, क्या कैसी लगी हमारी कविता? बता ना, तुमने शादी नहीं की इस बात की रवानी है, तुमने शादी नहीं की इस बात की रवानी है सारी दुनिया की औरतों पे कि तुमने मेहरबानी है। हमारे गांव के छोटे से रेडियो ने हम सबको समझा दिया है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक आदतें नहीं बदलेंगी। तो अब आप लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? ठीक है फिर, हो जाए। सरपंच जी, हमारा गांव, हमारे गांव के कलाकार और हमारा लोक संगीत।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जिलाओ, जेल जिलाओ, जेल जिलाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जिलाओ, जेल जिलाओ, जेल जिलाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जिलाओ, जेल जिलाओ, जेल जिलाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जिलाओ, जेल जिलाओ, जेल जिलाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल जिलाओ, जेल जिलाओ, जेल जिलाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो जाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं। बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सरपंच जी और बाबा एक साथ, हजम नहीं होता है। जरूर कोई चाल है। भाइयों, सरपंच जी जो कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। सरपंच जी और मैं, हम दोनों ही पुलिस के आगे आप लोगों की शिकायत रखेंगे। भाई गांव का तो नुकसान हुआ है ना, तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। करते हैं हम बात अभी जाके। अच्छा होगा जो आप दोनों ही अंदर आए,
वरना इतने लोगों की चाय का इंतजाम जरा मुश्किल हो जाता। बैठिए। बोली। सारा गांव परेशान है, इसलिए हमें आना पड़ा, वरना हल्ला मचाना हमारा मकसद नहीं है। सरपंच जी, ये नरमी का टाइम नहीं है भाई। मैं जानना चाहता हूँ, पूरा गांव वाले जानना चाहते हैं, है? जब ये सारे शौचालय टूट रहे थे, ये पुलिस वाले हाथ पे हाथ धर के बैठे थे क्या? कैसा होगा वो गुरूर जो उनके सर चढ़ता है, जो समझते हैं चिल्लाने से बात का वजन बढ़ता है। हम यहाँ तुम्हारी थर्ड क्लास शायरी सुनने के लिए नहीं आए, हमें एक्शन चाहिए, एक्शन। चाय आ रही है गर्मा गर्म, पी लीजिएगा तो जबान को थोड़ा सा आराम मिलेगा। आपने सिर्फ FIR दर्ज कर दी बस, जबकि सारा गांव जानना चाहता है कि अपराधी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। बाबा, पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। सरपंच जी, कुछ कोशिश नहीं कर रही, सब जानता हूं मैं। अरे ऊपर तक पहुंच है मेरी, और मैं ऊपर जाऊंगा और बताएंगे MLA साहब को कि अब ना मधोक साहब इस इलाके की रक्षा करने लायक नहीं रहे। पुलिस क्या करेगी ऐसे टेढ़े केस में, जब भक्षक खुद आए हैं रक्षक के भेस में। मधोक, मैं तुम्हें चेतावनी। एक शब्द और बोला तो हवालात के पीछे फेंकवा दूंगा अभी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तू उसके ऑफिस में धमकी दे रहा है, ये गुंडागर्दी थाने के बाहर। गेट आउट। नहीं समझ में, हिंदी में समझाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। समझने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल ये इस भीड़ भड़ाके का फायदा उठाकर मेरा ट्रांसफर कराना चाहता है। और बार बार ये आपकी बात काट रहा है ना, जो वो दरअसल ये जताना चाहता है कि इसका दबदबा आपसे ज्यादा इस इलाके में। देखिए, ये अपनी दोनों कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। मैं सरपंच हूँ और सारा गाँव जानता है कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ना, इसके पीछे इसी के लोगों का हाथ है। कुछ सुराग हमारे हाथ लगे हैं, जैसे ही ठोस सबूत मिलेगा मैं आपसे वादा करता हूँ इस बाबा पहलवान को सरकारी मेहमान नवाजी का तजुर्बा जरूर मिलेगा। ऐसे हमें आप पर पूरा भरोसा है। सरपंच जी, उड़ते परिंदे कहते हैं कि ये बदली यूं ही छट जाएगी, कुछ पर्दे होंगे फाश, कुछ सच्चाई सामने आएगी। आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। मुन्ना, आज सारा गांव देख रहा है, मुसीबत जो भी आए हमारी हिम्मत को हरा न पाए। बेशक, जिन्होंने गांव के शौचालयों को तोड़ा है, दरअसल उन्होंने गांव को जोड़ा है। बुआ जी, फोन बज रहा है। हाँ बबलू, एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं चौधरी बोल रहा हूँ, बुआ जी को प्रणाम। हाँ चौधरी जी, स्वागत है आपका, कहिए, सारा गांव सुन रहा है। मैं चार टॉयलेट बनाने जितना पैसा गांव वालों को देना चाहता हूँ, भाई कैसे होगा ये सब? चौधरी साहब, बहुत आसान है, आप अपनी रकम सरपंच जी के यहाँ जमा करा दीजिए, उन्होंने इस काम के लिए खास फंड का आयोजन किया है और उन्होंने हिसाब लगाया है कि 10-15 हजार के बीच में एक शौचालय बन सकता है। अरे बहुत अच्छा, अच्छा अब मैं रखता हूँ। बुआ जी, फोन बज रहा है। हेलो बुआ जी। हेलो, कौन बोल रहे? मैं भोला। हाँ भोला, कहो क्या कहना चाहते हो, सारा गांव सुन रहा है। बुआ जी, आप ही जानती हैं, मैं गरीब मजदूर, गांव में शौचालय बनाने के काम में मैं भी मदद करना चाहता हूँ। वाह शाबाश शाबाश बेटा, जीते रहो जीते रहो। भोला भैया, श्रम दान और सेवा दान सबसे बड़ा दान। आपको जब भी वक्त मिले सरपंच जी के कार्यालय जाकर अपना नाम टीम में दर्ज करवा लेना। हाँ भोला, सारा गांव सुन रहा है और समझ भी रहा है कि तुम दिल के कितने अमीर हो। भोला भैया, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भोलू। नमस्कार भोला भैया। नमस्कार बुआ जी। हाँ, आपको महसूस हो रहा है,
अचानक पूरे गांव की हवा मन भावनी हो गई है। क्या बात है मुन्ना, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बुआ जी, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि गांव से कुछ बदबूदार लोग ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सींग। मगर गधा तो अभी भी आज भी हमारे गांव में विराजमान है। हाँ, सो तो है बुआ जी, लेकिन हमारे पुलिस सूत्र कहते हैं कि वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। उस दिन ये सारा गांव कहेगा, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। इस गांव को जो देगा ललकार होगी उसकी हार। इसी बात पर बुआ जी और मुन्ना की सुनो एक नई टेर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना पैर। एनी टाइम एनीवेयर। बेटे, ये तुम्हारा हिस्सा 10 लाख। कौन सा हिस्सा बाबूजी? वो अपने गांव के बाहर वाली जो जमीन थी ना, उसके अच्छे भाव मिले, मैंने बेच दिया। पर बाबूजी, वो तो हमारी पुश्तैनी जमीन थी ना। पुश्तैनी चीजें होती हैं आने वाली पीढ़ियों के काम आने के लिए। 10 लाख तुम्हारे, 10 लाख प्रीता के। और पूरब भैया? पूरब ने कहा है कि उसका हिस्सा दोनों बहनों में बांट दिया जाए। बाबूजी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसे रख लो। गांव में जो शौचालय तोड़े गए ना, ये उन्हें बनवाने में काम आएंगे। गांव की सेवा में सिर्फ स्नेहा अकेले थोड़ी ना लड़ेगी, आखिर घर वालों को भी तो साथ देना होगा ना। मैं कितनी खुदगर्ज हूं बाबूजी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, पर मैंने आपको आज तक शुक्रिया भी नहीं बोला। इतनी सी बात पे आंसू भराए, अरे बाप हूं तेरा, तेरी भावनाओं को मैं नहीं समझूंगा। नहीं बाबूजी, आज मुझे बोलने दीजिए। हमारे समाज में तो बाप बेटी पर ध्यान तक नहीं देते, लेकिन आपने मुझे शिक्षा दी, अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत दी। शिक्षा, ये हिम्मत, ये पहचान, ये सब कुछ आप ही की देन है। आपके जैसा पिता हर बेटे को मिले। मेरे जैसा पिता तो मिल जाएगा शायद। लेकिन तेरे जैसी बेटी हर पिता को कहाँ मिलेगी? तो पहले मिल गए, 500 रुपए ज्यादा दिए मैंने तुमको। जानते हो क्यों? क्योंकि तोड़ फोड़ के बाद जो तुमने पुलिस स्टेशन के बाद दिल से जो नारे लगाए थे ना, गुंडागर्दी जेल दिलाओ जेल दिलाओ जेल दिलाओ, आंखें भर आई बे हमारी तो। हम सब तो आपके अधीन है बाबा, आपका कहा हमारा धर्म है। सुनो, अब सारे के सारे यहां से गायब हो जाओ, क्योंकि तुम सबका नाम FIR में दर्ज है। जब तक मैं तुम लोगों की जमानत का इंतजाम ना कर लूं, अपनी शक्लें मत दिखाना। लेकिन बाबा जी, तुम्हारे घर वालों का मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी ने अगर जुबान खोली तो घर वालों समेत ना मिटा के रख। जी बाबा जी। चलो जाओ। आप गांव में बने बनाए शौचालय तोड़े गए, हुड़दंग मचा, क्योंकि हमारे समाज में
कुछ शक्तियां हैं जिन्हें बदलाव और प्रगति बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो जानते हैं प्रगति महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बदलाव सिर्फ एक तरीका नहीं, बदलाव एक सोच है, एक विचारधारा है जो हमारे समाज में बसे पुराने ख्यालों के लिए एक जबरदस्त चुनौती है। कुछ लोग कहते हैं कि हर बदलाव अच्छा नहीं होता। उन्हीं लोगों को ये भी मानना होगा कि पुराना ख्याल भी अच्छा नहीं होता। हमने इतिहास में देखा है न जाने कितने गलत काम परंपरा की चादर से ढके जा चुके हैं। इस नए पुराने की दुविधा का एक सरल सा समाधान है, जो चीज हमारी और हमारे बच्चों की सेहत में सुधार लाए वो चीज सही ही नहीं जरूरी भी है। बाकी सारी महज बहस की बातें हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।